The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमक के बारे में सुना तो आपने होगा कि सोडियम यानी कि नमक आपके शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट मिनरल है, जो अगर आप नहीं खाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि कैसे और क्यों ये इतना जरूरी है और किस मात्रा में जरूरी है आपके शरीर के लिए और कहां आप इसमें गलती कर जा रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच सोडियम यू रियली नीड, व्हाट हाई सोडियम फूड्स यू नीड टू अवॉइड एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड सर्व योर फूड विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा सोडियम। तो कैसे करेंगे बातचीत, देखिए काफी सारे लोग हैं जिनकी जो सोडियम इंटेक है खाने मीरे में यानी कि नमक की मात्रा है काफी ज्यादा है, जब उनको पता तक नहीं है ये बात क्वाइट फ्रेंकली, और इस वजह से अनअवेयर होके हम सोडियम इतनी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं कि हमें डायबिटीज से लेके ब्लड प्रेशर तक खतरनाक बीमारियां हो रही है। इसीलिए एक ये मान के चलिए एक सिंगल टेबल टीस्पून टीस्पून चम्मच जो है वो काफी होता है आपके शरीर के पूरी रिक्वायरमेंट के लिए देने के। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट अगर हम मिली हर एक के चम्मच का साइज अलग होता है, सो 2325 मिलीग्राम सोडियम आपका डेली रिक्वायरमेंट है। 2325 मिलीग्राम सोडियम यानी 2 ग्राम से थोड़ा ज्यादा, 2.5 ग्राम से थोड़ा कम, राइट। और यहां पर इस नमक की चिंता जरूरी नहीं है क्वाइट फ्रेंकली। यहाँ पे लोग कई बार अपने घर में बने हुए नमक से को नहीं डालते, कम डालते, फीका खाना खाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पर एक्चुअली वहां पे गलती नहीं हो रही है, वहां से सोडियम ज्यादा नहीं आ रहा है, सोडियम ज्यादा आ रहा है प्रोसेस्ड फूड से, प्रिपेयर्ड फूड से, उन चीजों में जिनमें सोडियम जिसमें नमक छुपा हुआ है। ये बात याद रखिए ना, आपको नमक जरूरी चाहिए, पहले ये समझ लीजिए शरीर को नमक चाहिए, आपके शरीर के हर हिस्से को, हर कण कण में नमक है, हर एक शरीर के बॉडी फ्लूइड में राइट बैलेंस नमक, सेल के अंदर कितना होना चाहिए, बाहर कितना होना चाहिए, ब्लड में कितना, मसल में कितना, टिश्यू में कितना, इन सब मेंटेनेंस के लिए नमक चाहिए, राइट। नर्व इंपल्स के लिए नमक चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, मसल के लिए, मांसपेशी के लिए नमक चाहिए। नमक कम हो जाए तो भी इशू आता है, ब्रेन डिहाइड्रेट हो जाता है, शरीर बेहोश होने लगता है, नमक ज्यादा हो जाए तो ओवरलोड होने लगता है, दिक्कत ज्यादा आ जाती है शरीर पे, जहां नमक जाएगा वहां पानी जाएगा, ये बात याद रखिए शरीर के अंदर। सो किडनी नॉर्मली आपका ये बैलेंस बना के रखती है आपकी बॉडी आपके शरीर के अंदर, कि जब भी आपकी बॉडी लो सोडियम में नमक में हो जाती है तो वो पेशाब में नमक कम एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है, और जब ज्यादा हो जाती है तो पेशाब में ज्यादा नमक निकलने लग जाता है। मगर अगर किसी कारणवश आपकी किडनी नहीं काम इस तरह से काम कर पाई तो आपके ब्लड के अंदर नमक की मात्रा बढ़ती, सोडियम की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसे कंडीशंस में आपके शरीर के ऊपर पानी, क्योंकि सोडियम रुकेगा, पानी रुकेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट पे दिक्कत आने लग जाती है, हार्ट पे आपके हाथों में पैरों में कहीं सूजन आ सकती है, आपके हार्ट में कंजेशन आ सकता है, लिवर पे, किडनी पे, सारी चीजों पे बीमारियां आ सकती है। तो सोडियम का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और हर एक इंसान की सेंसिटिविटी अलग है। कई लोग सोडियम के ऊपर हाइपर सेंसिटिव है, थोड़ा सा सोडियम ऊपर नीचे हो गया उनको सिम्टम आने लगते हैं, कईयों का थोड़ा ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो याद रखिए ये अलग अलग इंसान में होता है, लेकिन एक डाइटरी रिकमेंडेशन है कि आपको सोडियम की मात्रा 2300 मिलीग्राम या उससे कम खानी है। बहुत सिंपल, इतना अपने दिमाग में अपर लिमिट आपको देख के चलना है। अब ये बात समझिए, नमक टेबल सॉल्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके डाइट में सोडियम के, जहां से एक्सेस सोडियम आपके अंदर आ रहा है। नंबर वन छुपा प्रोडक्ट जिसमें सोडियम है वो है प्रोसेस्ड या प्रिपेयर्ड फूड। बना बनाया खाना आप घर में बना लो, बाहर रख लो, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में खराब हो जाएगा, लेकिन जो पैक करके फूड वहां पड़ा होता है मॉल्स में, बेकरियों में, कहीं कहीं पे, उनमें वो कितने दो दो तीन तीन दिन तक खराब नहीं होता। वो क्यों नहीं खराब होता, या तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर होती है या एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा शुगर या बहुत ज्यादा सॉल्ट, बिल्कुल जैसे अचार है, अचार भी कई सालों सालों तक
कई महीनों तक खराब नहीं होता, बिकॉज उसमें होता है खूब सारा तेल, खूब सारा सॉल्ट, खट्टा तेल। सो सोडियम, चाहे आप ब्रेड लो, चाहे पिज्जा लो, चाहे कोल्ड बेकन, चीज, सूप, फास्ट फूड, या पास्ता, मीट, या कोई भी ऐसी कोई भी प्रोसेस्ड फूड ले लो, मीट का प्रोसेस्ड फॉर्म, सॉसेजेस, ये वो, इन सब में बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में सॉल्ट होता है और एडिक्टिव्स होते हैं जिसमें सोडियम होता है। सो हाई लेवल आपके अंदर सोडियम की मात्रा जो बढ़ रही है प्रोसेस्ड एंड प्रिपेयर्ड फूड से बढ़ रही है, बात ही खत्म। इस वीडियो में कुछ लेके जाना है घर पे तो प्रोसेस्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड ना खाइए, बस बात खत्म, सोडियम कंट्रोल। बाकी नेचुरल सोर्सेज हैं दुनिया में, जैसे आपके सब्जियां, इवन दूध में थोड़ा सोडियम होता है, मीट में होता है, शेलफिश में होता है, फिश में होता है, हर चीज में सोडियम होता है थोड़ा बहुत, तो वो तो है, वो अच्छी चीज है, वहां से तो आना ही है। किचन में आपका टेबल सॉल्ट है, वो आपने याद रखिए, अब एक्स्ट्रा सोडियम डाली हुई खट, जो जो नमकीन, ज्यादा नमक वाली सब्जी ना खाइए, ऑब्वियसली चीज, जितना साउथ स्वाद अनुसार नो सोडियम चाहिए उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस्ड फूड ना खाइए। अगर जब कट करना होता है सोडियम, तो कितना कट करना होता है, अगर आपको मान लो हाई ब्लड प्रेशर है तो मिनिमम 1600 मिलीग्राम तो खाना ही है, 1600 मिलीग्राम, 1.5 ग्राम से ऊपर तो खाना ही खाना है सोडियम, 1.5 ग्राम से नीचे 1.6 ग्राम तो खाने खाना, इतना तो याद रखिए। उसको कट करने के लिए क्या करें, जितना हो सके फ्रेश फूड खाएं, पका हुआ नहीं, खुद पका के खाएं, प्रिपेयर्ड फूड, पहले से बना हुआ फाड़ के खाने वाली चीजें, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, ऐसी चीज जो बाहर से आ रही है, जो जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड पिज्जा में प्रॉब्लम नहीं, पिज्जा में तो फ्रेश फूड डालोगे, डालोगे चीज है उसमें, ब्रेड है, वो सब वो सब आ जाता है प्रोसेस्ड फूड में, राइट। आप उसको ना खाएं, उसको आप अपने घर में बनाइए, चाहे ब्रेड बनाओ फिर खा लो फ्रेश फ्रेश उसी दिन, ये नहीं कि 2 दिन पड़ा हुआ। सो ये ना करो, फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड ना खाओ। लो सोडियम प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें सोडियम लो है, वो खा सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अगर एक्सेस सोडियम निकाल सकते हैं सब्जियों में से, किसी चीज में सोडियम की जगह आप नींबू डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं खटास के लिए, तो डालो, राइट। जिस भी रेसिपी से आप ऐसा कर सकते हो कर लो। सोडियम के साथ जो भी, मान लो सोया सॉस है, सैलेड ड्रेसिंग है, केचप है, मस्टर्ड सॉस है, इन सब में सोडियम होता है, इन सबको कम करो, नींबू डाल लो। बाकी के मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्लेवरिंग एजेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब में कोई इशू नहीं, अच्छे सब्स्टिट्यूट है, अच्छे उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, राइट। सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट भी आने लग गए हैं, राइट, वो सारे आपने दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सॉल्ट सब्स्टिट्यूट काफी हद तक, देखो कई सारे हो दो, वो तो है ही सोडियम क्लोराइड ही है, जैसे अगर आप मानोगे मैं सेंधा नमक ले लेते हूँ, मैं पहाड़ी नमक ले लेता हूँ, मैं रॉक सॉल्ट ले लेता हूँ, मैं ब्लैक सॉल्ट ले लेता हूँ, ये सब एक्चुअली, किसी को लगता है ये सोडियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम क्लोराइड है, नहीं, ये सब सोडियम क्लोराइड, राइट, सब में 80%, 90%, 99% सोडियम क्लोराइड होता है, गो एंड गूगल इट, चेक द पैकेज, यू विल अंडरस्टैंड। सो विच इज द सोडियम क्लोराइड सब्स्टिट्यूट, इट इज पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड वैसे सॉल्ट मार्केट में आसानी से नहीं मिलता, ऑनलाइन ढूंढोगे तो मिल सकता है, बट दैट इज देयर, वो भी बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, टू मच पोटेशियम क्लोराइड और ज्यादा डेंजरस है, सो यू हैव टू रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक बेसिक, राइट। सो एक अच्छे इंसान के अनुसार ऐसी चीजें, अच्छे समझदार इंसान बनिए, जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो उसमें क्या क्या चीजें छुपी हो सकती है, सोडियम में बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी सोडियम है, बेकिंग पाउडर भी सोडियम है, देन उसमें सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एल्जिनेट, डाई सोडियम फॉस्फेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी, ऐसी चीजें भी छुपी हो सकती है, वो भी ना, बाहर के खानों में एमएसजी बहुत डालते हैं, कई सारे रेस्टोरेंट फास्ट फूड में एमएसजी बहुत डालते हैं, वो बहुत टेस्टी भी लगता है लेकिन वो बहुत हार्मफुल भी है, सो ना खाएं। सो अवॉइड मोर देन 200 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर सर्विंग, तो टोटल 1600, 1800, 2000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं खाना, राइट, ये याद रखिए। बेस्ट चॉइसेस है सोडियम फ्री, सॉल्ट फ्री प्रोडक्ट्स, जिसमें 5 मिलीग्राम से कम सोडियम हो, लो सोडियम चीजें हैं, लो सोडियम वाली चीजें ढूंढी, उसमें लिखा होता है लो सोडियम, लो सोडियम, रिड्यूस या लेस सोडियम प्रोडक्ट्स आप लेंगे, लाइट सोडियम डाइट, बिना नमक के चीजें खाएंगे तो बहुत हेल्दी रहेंगे, हार्ट हो या कोई भी वैसे हेल्थ हो, इवन बॉडी बिल्डर्स के लिए स्किन थिकनेस कम करने के लिए भी सोडियम बहुत काम करती है, तो लो सोडियम पे जाइए, बहुत हेल्दी, हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी, हर चीज के लिए हेल्दी है, आपकी लाइफ के लिए हेल्दी है।
सो सोडियम लेस रखना डैश डाइट में भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो सोडियम फ्री सीजनिंग यूज कर सकते हो, ये बातचीत बहुत जरूरी है सोडियम की, अगर वो नहीं करोगे तो हेल्थ रिस्क बहुत सारे हैं, हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे, दिमाग पे, तो सोडियम के बारे में ये जानकारी आपको देनी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो शेयर करें बगैर नहीं जाना है, वीडियो लाइक करना है और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।